हेलो फ्रेंड्स, मैं आज बनाने वाली हूँ बीटरूट का आलू परोठा। ये बहुत ही इजी हेल्दी रहता है। जो बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खा पाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रेसिपी है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक कैरेट। अब इसे हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। आधा बीटरूट, अब एक जार में इसे छोटे छोटे करके काटेंगे। अब हम इसके जूस बनाने वाले हैं। नमक, पानी, अब इसका जूस बन चुका है। अभी हम इसे अच्छे से छान लेंगे। अभी हम आटा लेंगे, एक टीस्पून अजवाइन लेंगे, कैरेट और बीटरूट का जूस को मिक्स कर देंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अब एक कढ़ाई में 2 टीस्पून तेल डालेंगे। मैं ज़्यादा तेल नहीं यूज़ करती हूँ। 1 टीस्पून जीरा, 5 से 6 लहसुन, 1 कटा हुआ ऑनियन यानी प्याज, 1 नमक और डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पे काला मिर्ची का यूज़ किया हुआ है। आधा टीस्पून हल्दी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं आलू डालूंगी। मटर डालना है 1/2 कटोरी और अच्छे से स्मैश कर लेंगे। अच्छे से स्मैश हो चुका है। ध्यान रहे हमें इसे क्रीम बनाना है। यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी डाला है, एक अलग टेस्ट देता है ये। धनिया पत्ता, थोड़ा सा गरम मसाला डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी कैरेट बीटरूट का रोटी बनाएंगे। आलू के स्टफ्स को डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी है।